नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीओडी पाठशाला। आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है और काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आ रहा हूं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे बच्चों का सपना था कि सर यूपीएससी करना है, उसके लिए कुछ मटेरियल बता दीजिए, कोई प्लेटफॉर्म है तो सजेस्ट कर दीजिए या स्टार्ट कैसे करना है, तमाम बातें। तो सबसे पहले तो बहुत सारे वीडियोज के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हैं, जैसे कि स्टार्ट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन कौन सी अच्छी किताबें हैं, आप ये सब जाके देखो। और आज का जो वीडियो है वो है आपके लिए, फाइनली अब फ्री यूपीएससी की कोचिंग आ गई है। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ करना है, किसको करना है, इसका एग्जाम कब होगा, लास्ट डेट कब है, ये तमाम बातें आज हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि पाठशाला पे कोर्स बहुत लेट आया। रीजन ये है कि हम लोगों ने बहुत सारा समय आपके काउंसलिंग में दे दिया, लेकिन देर आए तो दुरुस्त आए। अभी हमारे पास जो टीचिंग फैकल्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, कुछ बीटेक के स्टूडेंट जो कि बीएससी का कोर्स लेकर आए हुए हैं, और जो एमए के स्टूडेंट हैं वो नेट क्वालिफाइड हैं। तो आप लोग अपने छोटे और बड़े भाई बहन को, अपने दोस्त, अपने यार मित्र को पाठशाला का कोर्स रिकमेंड कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन है, आप चेक कर लो और आप रिकमेंड करो। अब आइए बात करते हैं कि फाइनली ये जो फ्री यूपीएससी कोचिंग है ये कहाँ पर है और किसके लिए है। आप सभी लोग काशी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, लेकिन ये फॉर्म हर यूनिवर्सिटी के लिए है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे इलाहाबाद में पढ़ रहे हो, चाहे जेएनयू डीयू में पढ़ रहे हो, या फिर इन विश्वविद्यालयों में आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आप इस फ्री कोचिंग यूपीएससी को कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसका जो कोचिंग का प्लेटफॉर्म है वो बीएचयू है, और आप अगर इसमें सेलेक्ट होते हो तो कोचिंग कराने जो करने आओगे, ऑफलाइन कोचिंग है तो वो आपको बीएचयू कैंपस में आना पड़ेगा। ये सब चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जो यहाँ बच्चे ऑलरेडी पहला बैच हो चुका है तो उनसे मैं टॉक करने की भी कोशिश करूंगा। तो देखो, ये है ऑफिशियल वेबसाइट बीएचयू ऑनलाइन, ठीक है, गूगल करना है। उसके बाद यहाँ ऊपर ही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ऊपर ही इनका लिंक आ गया है, अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज कोचिंग सेशन 2023-24। जैसे ही आप अप्लाई हेयर करते हो, यहाँ पे आपका नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहां से आप जाके न्यू यूजर्स करके या रजिस्टर योर सेल्फ करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो इस रजिस्ट्रेशन के लिए है वो है क्या, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक स्कैन फोटो होना चाहिए और स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। ये बेसिक डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। और अब इसका हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें कौन कौन कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पीडीएफ ओपन है। अब कुछ चीजें तो आपको जाके खुद पढ़ना है, मोटी मोटा चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये देख लो। फॉर्म 200 रुपए का है, लास्ट डेट 15 नवंबर है, एग्जाम की डेट अभी कंफर्म नहीं है लेकिन 25 नवंबर तक बताई जा रही है, टेंटेटिव है, अभी वो अपडेट भी हो सकता है। सिलेबस जो है ये ऊपर से एक बार मोटी मोटा चीज मैं देखते चलता हूं, ठीक है। ये कोचिंग हर किसी के लिए नहीं है, पर्टिकुलर कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जैसे कि एससी एंड ओबीसी, ये दो कैटेगरी के लिए। किसके किसके लिए? एससी एंड ओबीसी। आप एक बार फिर से इसको खुद पढ़ लेना और कंफर्म कर लेना। ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, देश के किसी कोने से आते हो, एक एज ग्रुप दी गई है, उस एज ग्रुप में आते हो और आपने अपना यूजी कंप्लीट कर रखा है। यूजी नहीं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यूजी भी सब दे रखा है इन्होंने। देखो यहां पर है, यहां पर इन्होंने दिया हुआ है आपका ऊपर ही है, ठीक है। यहां से चले जाओ, ये इसको ना एक बार अच्छे से पढ़ना जरूर, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइक कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आपको खुद समझनी पड़ेगी, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट उसमें 8 लाख कुछ दिया हुआ है, उससे कम ही होना चाहिए, ये सब चीजें आप खुद पढ़ लेना। मैं एज लिमिट बता देता हूं, एज लिमिट है देखो लगभग 21 साल, इन्होंने डेट भी दे रखा है, सिर्फ 35 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहां पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगा है कि कौन कौन सा ऑनलाइन सबमिशन में चाहिए, ये सब आप पढ़ लेना। 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन फी है। उसके बाद यहाँ का जो सिलेबस है वो टोटल 100 क्वेश्चंस आएगा, 300 मार्क्स का होगा, इट मीन्स कि ईच क्वेश्चंस करी 3 मार्क्स, रिडक्शन रेट है 1-1, यानी एक गलत करोगे तो -1 हो जाएगा, 3 गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन अपने आप पूरा सही वाला गलत हो जाएगा, ये कुछ रूल हुआ इनका। इनका है वो है जनरल स्टडीज है इसमें, उसके बाद यहाँ पे आपका रीजनिंग एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश और हिंदी का भी जनरल और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आएंगे। टोटल सिलेबस आप यहाँ देखने के बाद आगे के भी कुछ डिटेल्स हैं, आपको ये पढ़ना है जाके, इस फॉर्म को अप्लाई करना है, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना है, इवन आपके चाचा के एज तक के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो आप अगर वो नॉलेजेबल है तो उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज थी कि सर वो लड्डू कब खिलाएंगे, हम लोग फाइनली सेलेक्ट हो गए, बीएचयू में आ गए हैं, बहुत इंक्वायरीज थी, तो हम लोग ये छठ पूजा के बाद रखेंगे, तो आप परेशान बिल्कुल मत होना, हम खुद बुलाएंगे और मुस्कुराते रहिए। हाँ, चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए। और हाँ देखो, कोर्स लेट आए हैं, थोड़ा लेट लेकर आए हैं, तो भाई अब आप उसमें सपोर्ट करो, कोर्स ज्वाइन कराओ, अच्छा कोर्स है, कम पैसे में है, जिससे कि हर कोई
अपना सिलेक्शन करा सकता है हमारे कोर्स के थ्रू। मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव।